हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब जो भी आपको फर्स्ट से लेके 15 पार्ट तक जो सिचुएशंस दी गई हैं उसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, इनमें से जो भी फॉर्म करती है एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करके दिखाना है। एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और जो अगर एपी फॉर्म करती है उसमें आपको अगली तीन टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स और फाइंड करके दिखानी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ पार्ट तक हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसका सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ पार्ट सोल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट सेवन्थ पार्ट की स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो सेवन्थ पार्ट की स्टूडेंट जो आपकी स्टेटमेंट है 0, -4, -8, -12 एंड सोन। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, ए देखना है। ए आपकी जो फर्स्ट टर्म वो आपका किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। और डी क्या होता है स्टूडेंट, जब आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हो जो डिफरेंस आता है वो आपका क्या होता है, डी। तो -4, -0 करेंगे तो स्टूडेंट कितना बचने वाला है, -4 ही बचने वाला है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करके देखना है कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम होगा तभी आपकी क्या फॉर्म करेगी, वो एपी फॉर्म करेगी। तो ये आपने लिखा -8, नेगेटिव का 4 जो आपकी ये प्रीवियस टर्म है, तो यह -8 +4, ये भी स्टूडेंट किसके इक्वल बचता है, -4 के। इसी तरीके से -12 में से -8 को माइनस करेंगे तो भी स्टूडेंट कितना आएगा, -4 आएगा। इसका मतलब ये आपकी एपी फॉर्म करती है। अगर एपी फॉर्म करती है तो आपको क्या करके दिखाना है, यहाँ पे अपनी नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिख के दिखानी है। मतलब चार टर्म आपको दी गई हैं, तो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म आपको फाइंड करके दिखानी है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, A5 मतलब फिफ्थ टर्म फाइंड करके दिखानी है। तो आप ये देखिएगा आपकी फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म आपकी -12 है। इसमें हम क्या ऐड करके दिखाएंगे, अपना डी, जो कि किसके वाला था, -4 के। तो अगर आप इसमें -4 करते हो तो माइनस का 12 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -16, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन क्या देने वाला आपको, माइनस। फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -16। इसी तरीके से आपके पास -16 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, पहले से ही -4 लिख लेते हैं। तो -16, -4 कितना हो जाएगा, -20। तो ये तो आ गया आपका A5 और ये आ गया आपका A6। अब आपको स्टूडेंट क्या फाइंड करके दिखाना है, अपना A7। A7 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी तक सिक्स्थ टर्म जो आई आपकी कितनी है, -20। और अगर प्लस करके -4 लिखेंगे तब भी कितने वाला है, -4 ही आएगा। तो ये कितना बचेगा, -24। तो स्टूडेंट आपके पास A5 की वैल्यू आ चुकी है अपनी, A6 की वैल्यू आ चुकी है और A7 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -24। तो इस तरीके से आपने तीनों टर्म किस तरीके से निकाली, जो आपकी प्रीवियस टर्म थी उसमें अगर आप डी ऐड करते हो तो आपको क्या मिलती है, अपनी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ से जो सेवन्थ पार्ट है वो क्या होता है, ओवर होता है। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट्स को करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अपने एट्थ जो हमारा पार्ट है उसकी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो एट्थ पार्ट की जो आपकी एपी, मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर दी गई है, अभी हम उसे एपी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी आपने चेक नहीं किया है। तो -1/2, ये भी कितना है, -1/2, ये आपको दी हुई है अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये आपने लिख लिया। तो सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, -1/2, ये आपने लिख लिया। फिर आप क्या फाइंड करके दिखाते हैं, डी, तो प्रीवियस टर्म में से, सॉरी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, तो -1/2, नेगेटिव का साइन, और आपकी टर्म पिछली वाली भी कितनी है, -1/2, तो -1/2, नेगेटिव हो गया आपका पॉजिटिव, दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 0। अब आप देखिए सारी ही टर्म नेगेटिव के 1/2 हैं, -1/2, तो आप डिफरेंस करते चले जाएंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस भी करेंगे तो डिफरेंस कितना आने वाला है, 0। इसका मतलब डिफरेंस आपका सेम है भले ही वो कितना है, 0, क्योंकि डिफरेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिफरेंस सेम है, ये आपकी एपी फॉर्म करेगी। आप क्या करके दिखाएंगे, अपनी नेक्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म फाइंड करके दिखाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट डिफरेंस क्या है, 0। अगर आप अपनी फोर्थ टर्म को देखते हैं तो कितनी, -1/2, अगर इसमें हम 0 ऐड भी करेंगे तो भी कितना आने वाला, -1/2। इसी तरीके से सिक्स्थ टर्म को भी सिमिलरली कितनी बचेगी, -1/2, क्योंकि इसमें अगर आप 0 ऐड भी करते हैं तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता। और सेवन्थ टर्म भी स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, -1/2 ही बचने वाली है, मतलब तीनों टर्म आपकी सेम है। तो इस तरीके एपी में क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस 0 है, सारी ही टर्म्स कितनी आएंगी, -1/2 ही आने वाली हैं। तो आपने फिफ्थ, सिक्स्थ और अपनी सेवन्थ टर्म को यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिया गया है। तो स्टूडेंट सेवन्थ और जो एट्थ पार्ट है वो आपने कर लिया है, आप क्या करके दिखाएंगे, अपना नाइन्थ पार्ट सोल्व करेंगे। तो नाइन्थ पार्ट की स्टेटमेंट भी आप लिख लीजिए, फिर देखते हैं अगर वो एपी फॉर्म करती है तो हम उसे आगे सोल्व करते हैं। तो ये आपने लिख लिया अपना नाइन्थ पार्ट, और नाइन्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है आपकी, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दी हुई है, 1, 3, 9, 27। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस ही चेक करना होता है।
तो ए की वैल्यू तो आप हो गई आपकी 1। अब आप क्या करके दिखाएंगे, अपना डी चेक करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। फिर अगर हम फिर से डी की बात करते हैं तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 9 माइनस 3 6। तो आपने देखा डिफरेंस जो थे आपके सेम नहीं है, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है कितना 6 आ रहा है, तो यहीं से आपको पता चल गया कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो ये वाला कौन सा केस बनता है स्टूडेंट, इट इज़ नॉट एन एपी। तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको यहीं पे छोड़ना है। अगर एपी फॉर्म होती है तभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है तभी आप आगे एडेड करके क्या करते हैं, अपनी जो एपी है उसको फॉर्म करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने देखा आपने 7th, 8th और 9th पार्ट को किया। आने वाली जो आगे आने वाली वीडियोज़ में उसमें हम क्या करके दिखाएंगे, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।